अवेकन एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। अभी आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। इस वेब सीरीज में कुल 16 एपिसोड हैं जो करीबन एक घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन के हैं, तो आप ये समझिए कि आपको पूरा एक दिन लग जाएगा इस वेब सीरीज को कम्प्लीट करने में। मेरा नाम है अंकुश और आज मैं अपने चैनल बॉली फ्राइडे पे कोरियन वेब सीरीज अवेकन के बारे में बात करूंगा और ये बताऊंगा कि आप इस सीरीज को क्यों देखें या क्यों ना देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अवेकन में दिखाते हैं कि कैसे एक टाउन में लोग मिस्टीरियसली मर रहे हैं। डू जुंग वू, गो ही व्योन और जेमी लेटन केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सब लोग व्हाइट नाइट विलेज नामक एक 26 साल पुराने केस से भी जुड़े हुए हैं और कोई उसी केस से रिलेटेड लोगों को मार रहा है। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं डू जुंग वू, प्लेड बाय नाम कुंग मिन। डू जुंग वू एक स्पेशल टीम का लीडर है जो कि नेशनल पुलिस एजेंसी का एक डिपार्टमेंट है। बहुत तेज दिमाग वाला वू व्हाइट नाइट विलेज से आता है और थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है गू हाई वॉन, प्लेड बाय किम सियोल ह्यू। गू हाई वॉन एक बहुत ही हाई टेम्परामेंट पुलिस अफसर है, गुस्सा जिसकी नाक पे होता है और ये बहुत ही इम्पेशेंट भी है। वो अपना सारा काम एफिशिएंटली करती है और एक बहुत ही अच्छी फाइटर है। ये भी स्पेशल फोर्स टीम की मेंबर है और इसका जू वो पे क्रश है। जेमी लेटन जिसको प्ले किया है ली चुंग ने। जेमी के पेरेंट्स अमेरिकन हैं और उसे गोद लिया हुआ है। जेमी एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है और FBI के लिए काम करती है। चौथा मेन करेक्टर है मून जे वॉन्ग, प्लेड बाय यू सन वू। मून एक अजीब सा इंसान है और इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता है और वो ज़्यादातर अपने आप में रहता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की इस सीरीज में जो कि देखने लायक बनाती हैं। इस वेब सीरीज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दर्शकों को हुक्ड रखती हैं, जैसे ट्रेजिक मोमेंट्स, हिडन मैसेजेस और क्ल्यूज, मर्डर मिस्ट्री, लेयर्ड करेक्टर्स जिनके बहुत सारे शेड्स हैं और बहुत कुछ जो मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर में होना चाहिए। इस वेब सीरीज की ओपनिंग में एक बहुत ही दिल कचोट लेने वाला सीन है जहाँ पे तीन बच्चे आग को जलता हुआ देख रहे होते हैं। सब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। जनरली आप थ्रिलर में या सस्पेंस मूवी में आपने ये देखा होगा जिसमें एक ओपनिंग सीन होता है और फिर सडनली स्टोरी कहीं और चले जाती है और आप उस सीन को भुला सा देते हो, क्योंकि इस सीरीज में भी नेक्स्ट शॉट में आपको प्रेजेंट डे पर ले जाया गया होता है जहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो रहे हैं और कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया हो गया होता है जिसको जुंग वू लीड करते हैं। जुंग वू का अलावा इस टास्क फोर्स में है हैवुन, मून जे उंग और जेन जी वॉन। क्राइम होने से पहले गुनहगार एक इंक्रिप्टेड कोड स्पेशल पुलिस यूनिट और न्यूज चैनल के एंकर को भेजता है। जुंग वू वो कोड को डिकोड तो हमेशा कर लेता है पर क्राइम को रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर जुंग वू शेर है तो क्रिमिनल सवा शेर, और ऊपर से किसी सबूत का ना मिल पाना ये एक बहुत ही सरदर्द का काम हो जाता है। कुछ ऐसे सीन्स और प्लॉट हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे, जैसे हाई स्कूल के बच्चे बिल्डिंग से कूद जाते हैं बिना सुसाइड नोट के साथ, एक अमीर आदमी पार्टी होस्ट करता है और स्विमिंग पूल में खुद को ही डुबो देता है, एक और आदमी जो अपने आप को ट्रेन के सामने ले आता है, और बहुत सारे ऐसे दिमाग खुजाने वाले केसेस। जितने भी विक्टिम्स हैं उनके बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है जो केस को और पेचीदा बना देता है, और पुलिस और मर्डर का ये खेल बड़ा मज़ेदार लगता है। इसी के साथ पैरेलल सीरीज में दिखाया गया है कि कुछ अमीर और लालची बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे कि मासूम बच्चे मौत की गोद में समा जाते हैं। इन सब में सिस्टम, बिजनेसमैन और पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है ये तो आपको सीरीज देख के ही मालूम पड़ेगा। इस सीरीज में एक और खास बात यह है कि जैसे स्टोरी मिस्टीरियस है वैसे इसके कैरेक्टर्स भी बहुत मिस्ट्री से भरे हुए हैं, जो कि आपको उनके अंदर की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक कर देंगे। सीन्स और प्लॉट्स को ऐसे दिखाया गया है कि कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो सब कैसे, क्यों, कहाँ, क्या सब हो रहा है, ऑडियंस के दिमाग से अच्छा खेला गया है। स्क्रीन प्ले को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है, क्योंकि हर एक आदमी टीम से जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो केस को अपने आप भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, और सब आपस में साथ होने के बावजूद एक दूसरे पर शक करते हैं जो कि स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अवेकन एक अच्छी और ऐसी मिस्टीरियस कोरियन ड्रामा है जो कि शुरू से आखिर तक आपको एंगेज रखती है। हर एक कैरेक्टर ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है और अपनी एक्टिंग से अपना मार्क छोड़ा है।
अवेकन एक सुपरनेचुरल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का ट्विस्ट डालकर इसको रूटीन क्राइम ड्रामा से अलग बना दिया गया है और जो कि एक सरप्राइज और शॉक एलिमेंट का काम करता है। 16 एपिसोड्स की ये सीरीज थोड़ी लेंथी सीरीज है और स्क्रिप्ट राइटर चाहते तो इसको थोड़ा सा पेसी और बना सकते थे। मेरे ख्याल से 12-13 घंटे में अगर इसे रैप कर देते तो थोड़ा कचरा साफ हो जाता। और हर सीरीज की तरह इसमें भी कुछ खामियां हैं और ये तो आपको पता ही होगा, दाग तो चांद में भी होता है। तो अगर आप लोग क्राइम रिलेटेड कोरियन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये सीरीज़ आपको लंबी पर अच्छी लगेगी। अगर दिमाग को खुजाना है और कुछ नया देखना है तो इसे ज़रूर देखिए। इसमें प्रॉब्लम है बट ओवरऑल ये एक काफ़ी अच्छे पैकेज है फन और ड्रामा का। परफॉर्मेंसेस टॉप क्लास है और कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। ये सीरीज़ एक अच्छा टाइम पास है और थोड़ी अंडर रेटेड रही, लेकिन मेरे हिसाब से इसको थोड़ी ज़्यादा सक्सेस डिजर्व करनी चाहिए थी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।